हार्मोनिक फ्रेंड्स, आइए बीपीसी के एक और क्वेश्चन में आपका स्वागत है। 30 मीटर लंबे, 24 मीटर चौड़े और 18 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकने वाले खंभे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब कमरा जब भी आपको बोले तो समझ जाइए वो घनाभ की बात कर रहा है। ठीक है जी, घनाभ। ठीक है, एक तो ये चीज़ आपने आप लोग समझे। दूसरा बात ये जान जाइए कि घनाभ जो है ना, घनाभ में मैक्सिमम जो लंबाई होती है हो सकती है, या किसी भी चीज़ में जो मैक्सिमम लंबाई हो सकती है वो हमेशा उसका विकर्ण होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का आयत का ले लीजिए, वर्ग का ले लीजिए, किसी भी चीज़ का लीजिए, हम जो मैक्सिमम लंबाई आएगी ना वो हमेशा विकर्ण की आएगी। तो घनाभ का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है घनाभ के विकर्ण का विकर्ण बराबर है अंडर रूट एल स्क्वायर वी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर। ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है जी, तो निकाल लीजिए, आपको लंबाई चौड़ाई सब दे रखिए। 24 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 30 का स्क्वायर। ठीक है, संख्या आगे पीछे लिख दी तो आप लोग को दिक्कत नहीं, क्योंकि आप लोगों को पहले से पता है ये सब चीज़ें। ठीक है, 24 का बता दें तो 576। ठीक है, 576, 324 प्लस 900। ठीक है, तो इसका आंसर निकाल लीजिए अंडर रूट करके, कितना आ जाएगा? 30, 500। ठीक है, हो गया, तो आंसर आएगा आपका, आप भी सोचिए, 10, 9, 10। ठीक है, और 12, 17, 18। ठीक है, 1800 आ गया, और 1800 हम जानते हैं क्या होता है, 30 का इंटू में 30, 900 इंटू में 2, 1800। ठीक है, इसका मतलब है 30 अंडर रूट 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो सोल्यूशन आपको कैसा लगा कमेंट से बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।